हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरे पास एक फ़ोन है, सैमसंग का A51, जैसे कि आप देख रहे हैं। और इसके अंदर प्रॉब्लम है कि अगेन एंड अगेन रिस्टार्ट होता है, कभी कभी हैंग ऑन लोगों पे अटका रहता है, कभी कभी सिर्फ चार्जिंग का सिंबल शो करता है, ऑन नहीं होता है। तो आजकल मार्केट में एक फॉल्ट सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, आप सभी को पता होगा, सैमसंग के ए सीरीज़ और एन सीरीज़ में हैंग उन लोगों का फॉल्ट। ठीक है, इसके अंदर डबल डेकर सीपीयू यूज़ हुआ है, जिसको सैंडविच प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि नीचे सीपीयू होता है, उसके ऊपर रैम होती है। जब फ़ोन कहीं ड्रॉप होता है तो रैम और सीपीयू के बीच में जो कनेक्शन है वो मिसमैच हो जाता है, कुछ बॉल्स डिस्टर्ब हो जाती है और आपके फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है, हैंग उन लोगों या रिस्टार्ट होता है अगेन एंड अगेन। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर इस टाइप का कोई भी आपके पास फ़ोन आता है तो उसमें जो डबल डेकर सीपीयू रिवॉल्व होता है, तो उसको रिवॉल्व करने का एक प्रॉपर प्रोफेशनल प्रोसेस क्या है। यदि आप मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग करते हो और सीपीयू रिवॉल्व करना भी जानते हो, तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप भी डबल डेकर को प्रॉपर इंस्टॉल कर सकते हो। वैसे तो बहुत सारे वीडियोज़ आपने यूट्यूब पर देखे होंगे डबल डेकर का पूरा प्रोसेस, लेकिन मैं इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप्स बताने वाला हूँ, एक प्रोफेशनल वे बताने वाला हूँ। हर वो टूल के बारे में बताऊँगा जो एक डबल डेकर सीपीयू बनाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी। हर वो ट्रिक्स के बारे में बताऊँगा जिसके ना करने से कई बार डबल डेकर सीपीयू में स्क्रैचेस हो जाते हैं, ग्राउंड निकल आता है, या हम प्रॉपर इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, या सीपीयू बैंड हो जाता है। इसमें जो मशीन्स हैं उनका भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ, और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा एक एक स्टेप्स देखें, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि देखने के बाद तुरंत आप बना लोगे, लेकिन मैं आपको इतना जरूर बोलूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद और थोड़ी प्रैक्टिस करने के बाद, जैसे तो 2-4-5 बोर्ड पर आप पहले डेढ़ बोर्ड पर प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आप डबल डेकर को बना सकते हैं। आपको इसके लिए किसी इंस्टीट्यूट में सीखने जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा इस वीडियो में मैं आपको टूल्स की इन्फॉर्मेशन, सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सा फ्लक्स यूज़ करना है, कौन सी SMD कहाँ पे यूज़ करनी है, कौन सी ब्लेड यूज़ करनी है, और इसके ग्लू को हटाने के लिए कौन सा लिक्विड यूज़ करना है, और इसके टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ मैं। इसके अलावा जो ऊपर की रैम होती है ना, उसके बारे में भी कुछ, उसकी भी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, और ये वीडियो आई होप आपके बहुत काम आने वाला है। तो सबसे पहले ये मेरे पास है सैमसंग का A51, मैं ऑन करके दिखा रहा हूँ आपको। तो अभी तो ये ऑन नहीं हो रहा है, और एक बार चार्जिंग लगा के देखते हैं। ये चार्जर लगाया मैंने, तो चार्जिंग लगाने के बाद देखते हैं। हाँ, ये लोगो आ रहा है चार्जिंग का, और आगे देखते हैं कुछ और इनिशियलाइजेशन होता है कि नहीं। तो देखिए, सिर्फ चार्जिंग का लोगो आ रहा है, इसके आगे कोई परसेंटेज शो नहीं कर रहा है। लेकिन जब ये फ़ोन मेरे पास आया था तो उस समय ये रिस्टार्ट हो रहा था, और कस्टमर ने रात भर इसको चार्जिंग पे लगा के रखा था, लेकिन फिर भी रिस्टार्ट हो रहा था। अभी ये टोटली बंद हो गया, सिर्फ चार्जिंग का लोगो दे रहा है। तो इसमें डबल डेकर का ही फॉल्ट है, इसमें डबल डेकर ही रिवॉल्व होगा। तो इस फ़ोन में मैं आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से दिखाने वाला हूँ। ये फ़ोन एक्चुअली में पहले कभी खुला नहीं है, तो फर्स्ट टाइम इसको ओपन करने वाले हैं, तो मैं पूरा डिसेंबलिंग प्रोसेस भी आपको दिखाऊंगा।
तो आपने देखा कि इस तरीके से हमने बोर्ड को डिसेंबल कर लिया है, और बोर्ड को देखने से लगता है कि बिल्कुल भी रिपेयर्ड नहीं है, फ्रेश बोर्ड है। तो सबसे पहले जो डबल डेकर लगा है उसके ऊपर का जो ब्लैक ये जो कवर है इसको हम पहले हटाते हैं, ठीक है, उसके बाद देखते हैं। तो इस कवर को आप इजीली इसको हल्का सा हीटअप करेंगे तो ये कवर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से मैं आपको एक एक स्टेप को बताते चलता हूँ। सबसे पहले जब भी आप डबल डेकर को बनाओगे या निकालोगे और या कोई भी फूल खोलोगे तो स्टील आती है सामने। तो अगर इस टाइप की स्टील लगी हो तो इसको आप बिल्कुल भी हीट हीट से नहीं निकालना है, ठीक है, क्योंकि हीट से निकालोगे तो सीपीयू पे भी हीट लगेगी, रैम पे, और माइक्रोन की अगर रैम है तो हो सकता है उस पर हीट होने से ख़राब हो जाए। और उसके बाद क्या होता है, आसपास ना ग्राफिक लाइट आईसी या ऑडियो आईसी लगी होती है तो उसके ऊपर हीटअप हो जाएगा, तब भी प्रॉब्लम आ जाएगी। इसीलिए बेहतर है कि हम इसको कटर से काट के निकालें, ठीक है, बहुत आसानी से। देखिए, एक कट इधर लगाना है, कटर जब भी यूज़ करें तो थोड़ा नया सा कटर हो तो उससे बहुत लंबी जाली कटेगी, ठीक है। और एक हमें कट इस कॉर्नर पे लगानी है, ठीक है, और बहुत आराम से धीरे धीरे इस जाली को मूव करते जाएंगे और ये जाली निकल जाएगी। आपको बिल्कुल भी यहाँ पे SMD अप्लाई नहीं करना है और खींचना नहीं है जाली को, जैसे कई बार हम पकड़ के खींच देते हैं पूरे ट्रैक से उखड़ जाते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी है आपको। एकदम सॉफ्ट तरीके से धीरे धीरे जाली को ऐसे मूव करके निकालना है, जैसे देखिए मैं निकाल रहा हूँ, देखो बिल्कुल हल्का, ठीक है, कुछ भी डैमेजेस नहीं होंगे, ठीक है। केयरफुली आपको धीरे धीरे इस तरीके से निकाल लेना है। ये देखिए, आपको बिल्कुल भी प्रेशर फोर्स नहीं लगाना है। देखिए, हालांकि बहुत सारे वीडियोस में आपने देखा होगा हीट से भी निकालते हैं, लेकिन अगर ये छोटी मोटी जगहों पे अगर ऐसा काम करना है तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हीट अप्लाई करने की ज़रूरत है। जब कोई काम सॉफ्टली हो जा रहा है तो फिर क्यों हम SMD वहाँ पे ले जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखिए, जाली यहाँ पे निकल गई, ठीक है। अब इसको हम जब भी हम रैम को पहले निकालेंगे फिर सीपीयू को निकालेंगे, तो जब भी डिसेंबल कर, पहले आप देख लो नंबर रैम का, SEC022, देखिए यहाँ पे SEC022, ये सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन है, सैमसंग की रैम है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम आईसी के चारों तरफ का ग्लू कट करेंगे। इसके लिए मेरे पास ये जो SMD है ये पतले नोजल वाली 857 है, क्विक 857 857, और अभी टेम्परेचर 250 है और एयर 1 पे है, और बिल्कुल लो टेम्परेचर पे आराम से पहले हम किनारे के ग्लू को कट करेंगे। इसके लिए ब्लेड 007 ना यूज़ करें, ब्लेड पतली वाली यूज़ करें, क्योंकि 007 अंदर जाने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो देखिए, जैसे मैं बिल्कुल कट कर रहा हूँ वैसे ही आप काट कर लेंगे, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे ना ट्रैक्स कट जाएंगे नीचे, बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से इसको आपको काम करना है। अभी मैं, आप याद रखिएगा, 857 यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। जब ये ग्लू कट हो जाए, ठीक है, तब हम SMD यूज़ करेंगे डबल डेकर को निकालने के लिए। सबसे सेफेस्ट SMD मेरे हिसाब से क्विक 2008 है, और ये ब्लेड में यूज़ करता हूँ क्वेनली की DP007। तो अब मैं SMD यूज़ करूँगा क्विक 2008, हीट होगा 330 से 350, कितना आप हैंडल कर सकते हैं, और एयर होगा 100। तो देखिए, हल्का हल्का हीटअप देते रहिए, ज़्यादा नहीं देना है, और ब्लेड को इन करके देखते रहिए कि ब्लेड जैसे इंसर्ट हो जाती है लेयर्स के बीच में, ये इंसर्ट हो गई तो आपका ब्लेड जहाँ रहेगा वहीं पे आपकी SMD रहेगी, देखिए, और आराम से इसको लिफ्ट कर लेना है, ठीक है। ये एक्सपीरियंस आपको तब आएगा जब 4-5 बोर्ड पे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि रैम बहुत 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 अच्छे तरीके से सही समय पे बाहर आ गई। तो देखिए, रैम हमने निकाल ली। अगर आप निकाल लेते हो लेकिन बहुत ज़्यादा समय लगाते हो तो हो सकता है ओवर हीट हो जाए, रैम पे ख़राब हो जाए, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हमें कम से कम समय में निकालना है रैम को, मतलब ऐसा नहीं कि हम निकाल रहे हैं और बहुत ज़्यादा हीटअप कर रहे हैं और फिर निकाल रहे हैं रैम को, जैसे 20 सेकंड 30 सेकंड में तो निकल तो जाएगी, हो सकता है माइक्रोन की हो तो ख़राब हो जाए, ठीक है। तो ये जो एक्सपीरियंस है अगर रैम को निकालने का क्विक, ये तो तभी आएगा ना जब आप 4-5 बोर्ड पे काम करोगे, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें, निकालना है कम से कम समय में। और ऐसा भी नहीं है कि फटाफट निकालने के चक्कर में उसमें स्क्रैच आ जाए, है ना, तो ये बीच का जो टाइमिंग है आपको ध्यान रखना है। अब हम थोड़ा सा फ्लक्स लगा लेते हैं, ठीक है, और आपको पहले बॉल नहीं साफ करनी है, जो सीपीयू की बॉल है पहले मत साफ करो। देखो, हीटअप करते रहो चारों तरफ,
टेम्परेचर फिर से बताता हूँ, 330 से 350, क्विक 2008, एयर 100, हीटअप करते रहो और ब्लेड को हल्का सा इंसर्ट करो। देखो अगर ब्लेड आपकी इन होने लगी, देखो अभी इन नहीं हो रही है, देखो अभी इन नहीं हो रही है, जब इन होने लगेगी तो समझ ली रेडी है। देखो अभी भी इन नहीं हो रही, जबरदस्ती नहीं करना है। देखो इन हो गई, तो जब इन हो गई तो हल्का सा इन करके तुरंत नहीं लिफ्ट करना है, थोड़ा सा टाइम लेना है, थोड़ा सा टाइम लेना और धीरे से लिफ्ट कर देना है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये काम बिल्कुल सॉफ्टली होना चाहिए, कहीं जोर जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। कुछ प्रिंट आपको दिख रहे होंगे निकले हुए, जैसे आप देखो कुछ बॉल्स निकली है, तो इसमें काफ़ी सारी एनसी होती है जो आप किसी भी सर्किट डायग्राम के बिट मैप पे जाके देख सकते हो कि कौन सी मेन है और कौन सी एनसी है, तो उसका कोई इशू नहीं है। तो निकलेगी एनसी होती है, नॉट कनेक्टेड कई सारी बॉल्स होती है तो निकलती हैं। तो इस तरीके से आपने देखा सीपीयू हमने डिसेंबल कर लिया। तो सबसे पहला काम होगा कि अभी बोर्ड हीट है तो फटाफट आप पहले बॉल्स को क्लियर कर लो। तो थोड़ा सा पीपीडी लगाइए, 183 भी लगा सकते हैं, 138 भी लगा सकते हैं, और फ्लक्स टॉप क्लास का होना चाहिए, जो अभी मैं बता देता हूँ कौन सा मैं यूज़ करता हूँ, क्योंकि फ्लक्स का बहुत बड़ा रोल है किसी भी आईसी को क्लीन करने में, पैड्स को क्लीन करने में, आईसी को क्लीन करने में। तो इस तरीके से आप ये इस तरीके से पूरी बॉल्स को आप पूरा क्लीन कर लीजिए। इसमें देखिए आयरन का भी बहुत बड़ा रोल है, अगर आप 100 रुपये वाला आयरन यूज़ करोगे तो फिर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा, तो आयरन भी आप एक अच्छी क्वालिटी का यूज़ आपको करना है। वैसे तो मैं आपको बताया था पहले भी, मैं बता चुका T12X यूज़ कर रहा हूँ अभी, इससे काफ़ी अच्छा काम हो जाता है, सस्ते में अच्छा आयरन है। तो देखिए पूरा इस तरीके से आप बॉल्स को क्लीन कर लीजिए, और ज़्यादा फोर्स नहीं करना है, फोर्स नहीं करना है, हल्का हल्का बस क्लीन करना है। देखिए ये हल्का हल्का पूरी बॉल्स निकाल लीजिए, ठीक है। तो देखिए क्योंकि अभी बोर्ड गर्म है, क्योंकि SMD से का यूज़ हुआ है तो तुरंत क्लीन हो जाता है बोर्ड। तो इस तरीके से हमने पूरी बॉल्स का जो सोल्डर है बाहर कर लिया। अब एक बार हम डिसोल्डर वायर से पूरी बॉल्स को इक्वल करेंगे, और जो ऊपर ग्लू लगा हुआ है वो भी काफ़ी हद तक साफ़ हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डिसोल्डर वायर, और जब भी डिसोल्डर यूज़ करें तो उस समय आपका जो आयरन का बिट होगा नाइफ बिट होगी, और जो डिसोल्डर वायर होगा गुड विक का होगा, सबसे बेस्ट डिसोल्डर वायर है, ओरिजिनल होना चाहिए। मार्केट में कई लोकल भी बिकते हैं तो उसको नहीं लेना है आपको, ये अभी तक का सबसे अच्छा मुझे लगता है, तो आप देख लेना, ठीक है। तो बॉल्स को बिल्कुल सेफ सेफली रखना है आपको, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है इस पर, नहीं तो पता चला आपने ज़्यादा प्रेशर दे दिया कोई बॉल निकल गई, तो इन सब चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो देखिए इस तरीके से आप ये देखिए, तो आपको आप देख सकते हैं कि फटाफट आपको क्लीन करना है। ये देखिए इससे ग्लू जो होता है ना, वाइट ग्लू होता है, वो भी क्लीन हो जाता है काफ़ी हद तक। तो जब ये पूरा डिसोल्ड हो जाए, ठीक है, तो आप एक जो बर्ड्स होती है ना ईयर क्लीन करने वाली, वो वाली बर्ड से पूरा साफ़ कर लीजिए, ठीक है। इसमें ना टूथब्रश मत लगाइएगा, नॉर्मल बर्ड से साफ़ कीजिए, साफ पूरा क्लीन होना चाहिए। फिर एक कॉटन लीजिए, मार्केट में कॉटन मिलता है, इससे आप क्लीन करिए तो पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर क्लीन हो जाएगा, तो आप एक एक पैड्स को अच्छे से देख सकते हो। देखो क्लीन हो गया, तो देखिए पूरा क्लीन हो गया, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब कहीं कहीं देखो ग्लू है, वाइट वाइट ग्लू है, तो उसको अभी हम साफ़ करेंगे। देखिए जो पैड्स निकले आप देख सकते हैं वो ब्लैंक हैं, किसी की लाइन नहीं दिख रही है, बाकी आप बिटमैप में क्लियर कर सकते हैं, लेकिन मुझे पता है पूरे ब्लैंक्स हैं, ठीक है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बोर्नियो ओर्नियो यूज़ करते हो सर्किट डायग्राम के सॉफ्टवेयर, तो उसमें इसका होता है पूरा डिटेल पैड्स की, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, फिर से हम थोड़ा सा फ्लक्स लेंगे, लेकिन इसके पहले हम ब्लेड से थोड़ा थोड़ा जो जो ग्लू कहीं कहीं थोड़ा सा है ना, देखो किनारे, तो इसको साफ़ कर लो, ठीक है। कई बार क्या होता है ना कि अपन हीट मार के जब निकालते हैं तो कंपोनेंट्स निकल जाते हैं, लेकिन वो ग्लू के कारण ना चिपके रहते हैं, पता नहीं चलता। तो एक बार ना ब्लेड से आसपास के कंपोनेंट्स को भी आप हिला डुला के देख लोगे, तो देखो इस तरीके से जो छोटे छोटे ग्लू लगे हुए हैं वाइट कलर वाले, उसको आप अच्छे से क्लीन कर लो, क्योंकि अगर छोटा सा भी गंदगी रह गई ना, तो जब आप आईसी इंस्टॉल करोगे ना, तो आईसी आपकी फिर वो प्रॉपर तरीके से बैठेगी नहीं। तो देखो ये इस तरीके से आप पूरा इसको साफ सफाई कर लो पूरा अच्छे से, ये देखो ऐसे करके, ये ऐसे करके, ठीक, ये पूरा क्लियर। अब थोड़ा सा हमने पीपीडी लिया, ठीक है, और फ्लक्स लगाया, अब हम फाइनल टच देंगे, तो इससे क्या होगा कि पूरी बॉल्स पे पीपीटी लग जाएगी, ठीक है, और
देखिए, और पूरा इसको हम अच्छे से सोल्डर कर देंगे। देखो यहाँ पे पूरा हम इसको अच्छे से ये इस तरीके से पूरा सोल्ड कर देंगे, देखिए, है ना, ये पूरा ये सोल्ड कर देंगे। ये फाइनल लास्ट टच है, इसके बाद हम फिर आयरन नहीं लगाएंगे, ठीक है। दो बार आयरन लगाते हैं, एक बार तो पूरा क्लीन कर देंगे पैड को, और फिर फाइनली एक बार पीपीडी लगा के, फ्लक्स लगा के, और एक बार बॉल्स को पूरा रिन्यू करके, और एक बार हम डिसोल्डर लगाएंगे तो पूरा जो थोड़े बहुत ग्लू रह जाते हैं ना, वो पूरे क्लीन हो जाते हैं। देखिए इस टाइप से, ये फाइनल टच है। इसके बाद हमें फिर ना डिसोल्डर वायर यूज़ करनी है और ना हमें आयरन यूज़ करना है। मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि ये सब काम जो है बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, जस्ट फॉर प्रैक्टिस का काम है, ठीक है। इसके लिए आपको बिल्कुल भी 50,000 रुपये दे के कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। आप, मैं जो वे बता रहा हूँ और जो मशीनें बता रहा हूँ, उसको आप खरीद लें, प्रैक्टिस के लिए कुछ बोर्ड्स ले लें, आप इजिली आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए पूरा क्लीन हो गया। अब क्लीन करने के बाद फिर से बर्ड्स यूज़ कीजिए, ठीक है। ये जिससे कि पूरी जो गंदगी है पूरी साफ़ हो जाएगी, देखिए। और एक बार और कॉटन यूज़ कर लीजिए तो पूरा क्लियर हो जाता है, मतलब पूरा क्लियर हो जाता है, साफ़ हो जाता है पूरा, ठीक है। ये कॉटन यूज़ कीजिए, देखिए पूरा क्लियर हो जाएगा। कॉटन रख के और आपको थिनर से क्लीन करना है, तो देख सकते हैं पूरा जितना भी ग्लू भी क्लियर हो गया और जितनी भी बॉल्स थी वो भी क्लियर हो गई। अब आप देख सकते हो कि ये देखिए आप, पूरा जो ब्लैंक पैड थे वो निकले हुए हैं, बाकी जो मेन वाले थे पूरा एकदम क्लियर है, देखिए ये देखिए, ठीक है। तो आई होप जब भी आपके पास फ़ोन आएगा तो इस तरीके से 2 राउंड में आप इसको क्लियर कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कि कोई इसमें प्रॉब्लम आपको आएगी। अब जब बोर्ड क्लियर हो जाए तो अब आती है आईसी की बारी, ठीक है। और आप यकीन मानिए, रैम को रिवॉल्व करना और सीपीयू की बॉल्स बनाना, इसी में पूरा ट्रिक छिपा हुआ है। ये जो चीज़ जो भी टेक्नीशियन कर लेगा वो डबल डेकर में सक्सेस हो जाएगा, ठीक है। अभी तक जो प्रोसीजर हुआ है ये आपको 1 से 2 दिन का प्रैक्टिस करेंगे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे। सबसे पहले देखो, ये है सीपीयू, और सीपीयू का ऊपर का सरफेस है जिस पर रैम इंस्टॉल होती है, ठीक है। तो इसके ऊपर ये जो लिक्विड मैं बता रहा हूँ, ये इस तरीके से कॉटन पे रख के इसको आप कुछ टाइम छोड़ दीजिए, ताकि ऊपर का जो ग्लू था, ठीक है, वो फूल के इजीली निकल जाए, ठीक है। तब तक हम रैम को रिपेयर करते हैं, मतलब बॉल बनाते हैं। तो ये देखिए रैम जो है, देखिए काफ़ी पहले निकल गई, पूरी बॉल ब्लैक दिख रही है। तो सबसे पहले फ्लक्स लगाइए, इसको बड़ी सावधानी से रिपेयर कीजिएगा। कई लोग रैम पे बार बार डिसोल्डर वायर और आयरन लगाते हैं तो ग्राउंड निकल जाता है, ग्राउंड बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। तो देखिए मैं बता रहा हूँ, सबसे पहले आप सॉफ्ट हैंड से आयरन यूज़ करें, देखिए सॉफ्ट हैंड से, मैं बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से यूज़ कर रहा हूँ, बिल्कुल भी प्रेशर ना दें नहीं तो ग्राउंड निकल जाता है, ठीक है। तो एक बार मैंने ये आयरन लगाया, ध्यान दीजिएगा बॉल थोड़ी थोड़ी चमक गई। अगर कोई बॉल नहीं चमकी, नहीं सिल्वर हुई, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फोर्स नहीं करना है वहाँ पे, ठीक है। जो हो गई हो गई, नहीं हुई कोई बात नहीं, उसका भी तरीका है, उसको कैसे करना है। एक बार आयरन लगा दो और फिर एक बार डिसोल्डर वायर आप यूज़ करो, और जब भी डिसोल्डर वायर यूज़ करोगे तो एकदम सॉफ्ट हैंड से। अगर इसका ग्राउंड निकल जाता है ना तो फिर रैम इंस्टॉल करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो आप कभी भी ऐसा भी कोई काम नहीं करोगे कि उसका नीचे का ग्राउंड निकल जाए। तो ये रैम साफ़ हो गई, इसको एक बार मैं कॉटन से साफ़ कर लेता हूँ रैम को। तो ये कॉटन से मैंने रैम भी साफ़ कर ली और सरफेस भी साफ़ किया, देखिए साफ़ हो गई रैम। अब देखिए कुछ जगह है काली काली, जो देखिए ये देखिए रैम वही वाली है, SEC022। मैं बार बार रैम का नंबर इसीलिए दिखा रहा हूँ कि काफ़ी सारे वीडियोस में बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आपने बोर्ड चेंज कर दिया, इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ कि जो बोर्ड था उसकी रैम यह ली थी, और यही इसी पे हम काम कर रहे हैं और लास्ट में इसी को इंस्टॉल करेंगे। और इट में भी मुझे नहीं पता, यूट्यूब में होता भी होगा कि काम करते हैं बोर्ड चेंज कर देते हैं आखिरी में,
तो इसीलिए मैं आपको बार बार रैम का नंबर दिखा रहा हूँ। तो देखो, तो ये देखो यहाँ पे एक ये ब्रश आता है, आप देखो ये इसमें आगे लोहे वाला ब्रश होता है, उससे हल्का सा आप इसको कर दोगे तो ये पूरी जो बॉल्स हैं वो जो ब्लैक वाली है वो सिल्वर हो जाएंगी। तो देखिए सभी बॉल सिल्वर हो गई, ठीक है। तो अगर नहीं हुई तो हल्का सा हम इससे भी थोड़ा सा उसको स्क्रैच करेंगे तो वो सिल्वर हो गई, ठीक है। ये पूरी बॉल सिल्वर हो गई, तो चलिए इसको एक बार रिबॉल कर लेते हैं। और आपको तो पता है रिबॉलिंग कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो रिबॉलिंग करने के लिए सबसे पहले कॉटन लीजिए, 2-3 लेयर, अच्छा मोटा कॉटन होना चाहिए। उसके ऊपर रैम को रखिए, स्टेंसिल कोशिश कीजिए कि यूनिवर्सल ना हो, इसी मॉडल की स्टेंसिल हो, ठीक है। एक्सनोज जो सीपीयू होता है इसका एक ही स्टेंसिल आता है, उसमें सभी ऑलमोस्ट बन जाते हैं, तो ये A50 M30 सभी। तो ये रैम का स्लॉट है, यहाँ पे रखिए और हल्का सा, अच्छा पीपीडी आप सुखा के लगाना, गीला पीपीडी मत यूज़ करना, उसको कॉटन में अच्छे से सुखा लेना जैसे मैंने सुखा रखा था। तो इस तरीके से इसको लगाइए पीपीडी को, और एक बार कॉटन से क्लीन कर दीजिए, बस सिंपल है। फिर इसको ट्वीज़र से थोड़ा सा प्रेस करके रखिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड में ट्वीज़र पकड़ो, लेफ्ट हैंड में ट्वीज़र ऐसे होल्ड करो, बेंड ट्वीज़र यूज़ करना है, और राइट हैंड से हीट दो, 300 टेम्परेचर होगा, 857 मशीन है, पतला नोजल है और एयर है 2 पे। और देखिए कॉर्नर से हीट दीजिए 45 डिग्री कॉर्नर से, और आराम से रैम आपकी बन गई। इसमें भी कोई टेक्निक नहीं है, स्टेंसिल अच्छी होनी चाहिए, पीपीडी अच्छी होनी चाहिए, और आपको बस एक तरीका पता होना चाहिए कैसे बनाना है, दैट्स इट। इसमें भी कोई ऐसा ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, और ये भी आप घर पे प्रैक्टिस करके आराम से बना सकते हो। तो ये रैम बन चुकी है। तो एक बार हम क्या करेंगे, रैम जब जैसे कोई भी आईसी जब हम रिबॉल करते हैं ना, तो उसकी बॉल्स थोड़ी शेप में नहीं होती है, तो एक बार हम क्या करते हैं कि आईसी को बनाने के बाद थोड़ा फ्लक्स लगा के हीटअप कर देते हैं। देखिए बन गई है पूरी रैम, तो देखो रैम वही है SEC022। तो इसको हम क्या करते हैं कि हल्का सा फ्लक्स लगा लेते हैं, पीसीबी होल्डर में रख लेते हैं थोड़ा सा इसको, ये ठीक है, थोड़ा सा फ्लक्स लगा के हीटअप कर देते हैं। ज़्यादा हीट नहीं करना रैम को, 300 का टेम्परेचर रहेगा, इसी पे हल्का सा हीट कर देंगे तो पूरी जो बॉल्स है ना वो पूरी शेप में आ जाएंगी, बस और कुछ नहीं। देखिए ठीक है, तो ये हमारी रैम पूरी रिवॉल्व हो चुकी है। अब इसको हम उठा के किनारे रख देते हैं, तो एक काम तो पूरा हो गया। अब आते हैं सीपीयू पे। ये तो हमने जो लिक्विड उस समय केमिकल लगाया था, उससे क्या हुआ होगा कि इसके ऊपर का जो रैम के ऊपर का ग्लू है, सॉरी सीपीयू के ऊपर का ग्लू है, वो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, जिससे कि सीपीयू को निकालने में बहुत आसानी हो जाती है ना, सॉरी रैम वाली बॉल्स बनाने में आसानी हो जाती है। तो इस तरीके से ब्लेड लेंगे और जो इसके ऊपर जो गम्स थे, वो जो ग्लू था ना वाइट वाला, इसको इस तरीके से स्क्रैच करके और बिल्कुल सॉफ्ट हैंड यूज़ करना, ठीक है। जब तक आप प्रैक्टिस ना करो किसी डेड बोर्ड में, ऑन पे डायरेक्ट काम नहीं करना है आपको, हल्का सा देखिए बिल्कुल हल्का सॉफ्टली बिल्कुल एकदम इस ब्लेड को, ब्लेड से ग्लू को कट करना है, ठीक है प्रॉपर। तो ये हो गया। अब देखो, अब इसके बाद फ्लक्स यूज़ करना है और पूरी बॉल्स को पहले साफ़ करना है, क्योंकि पुरानी बॉल्स हैं, है ना, कंपनी के थ्रू इंस्टॉल की गई बॉल्स हैं, तो हम इसको पूरा साफ़ करेंगे और नई बॉल्स बनाएंगे हम। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो मैंने ऊपर फ्लक्स यूज़ किया है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है, आप यकीन मानिए। अगर आप सस्ते वाले फ्लक्स यूज़ करोगे ना तो वो दिक्कत करेंगे। तो इस तरीके से आप देखो पूरी जो बॉल्स है ना अंदर, हम पूरी एकदम क्लीन कर लेंगे। और यहाँ पे ना बहुत सारे वीडियो में आपने देखा होगा कि डिसोल्डर वायर लगाते हैं, आप डिसोल्डर वायर मत लगाओ, क्योंकि देखो यहाँ पे जो बॉल्स आप देख रहे हो ना, एक बॉल से दूसरे बॉल के बीच में एक बॉर्डर है, उसको हमें सेफ करके चलना है, टूटना नहीं चाहिए। तो इसीलिए कोई भी ऐसा यूज मत करो कोई चीज जिससे वो बॉर्डर घिसे, ठीक है। तो डिसोल्डर वायर से दिक्कत अब होती है। अब देखो इस पूरी डो ये जो जो आपको ये जो पूरी गड्ढे दिख रहे हैं, इसको साफ करना है बिल्कुल अच्छे से। तो इसके लिए जो ब्रश मैंने दिखाया, ये मात्र 30 रुपये का ब्रश आता है, और इस ब्रश का मैं फोटो आपको दिखा देता हूँ। इसी ब्रश का यूज़ करना, कोई भी तार वाला ब्रश, बड़ा ब्रश, छोटा ब्रश, कोई ब्रश यूज़ करने की जरूरत नहीं, यही ब्रश मार्केट से खरीद लेना, ठीक है। और कॉटन पे रखना है आईसी को इस तरीके से। देखिए चूंकि हमने पहले केमिकल लगा दिया है, तो इसके अंदर का जो रबर है ना, जो गम है, वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा जब आप क्लीन करोगे। और इस इन गड्ढों को क्लीन करने के लिए ना थिनर का बहुत बड़ा रोल है, जो थिनर होता है ना,
तो थिनर मैं आपको बता देता हूँ, मैकेनिक का 850 यूज़ कर सकते हो, ये भी बहुत अच्छा थिनर है। तो थिनर एकदम बिल्कुल नया थिनर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने किसी डब्बे में एक पैकेज भर रखा हो उसी से साफ करने लगे, एकदम फ्रेश थिनर लो तब साफ करना। तो थिनर से आप देखिए इसको क्लीन कीजिए, तब तक क्लीन कीजिए पूरे गड्ढों को, मतलब पूरे कप्स को, जब तक कि ये पूरा बिल्कुल क्लियर ना हो जाए, किसी गड्ढे में कोई भी कचरा नहीं होना चाहिए। अगर हो तो ये किनारे थोड़ा सा ये गम लगा हुआ है तो इसको मैं साफ कर रहा हूँ, ये किनारे होता है आईसी के कॉर्नर पे, है ना, ये आप साफ कर लो, ठीक है। तो मैं हाँ वही बोल रहा था कि आपको तब तक इस ब्रश से साफ करना है जब तक कि पूरे गड्ढों के अंदर का जो कचड़ा है वो पूरा क्लियर ना हो जाए, मतलब गड्ढे पूरे चमकने ना लगे, तब तक आपको साफ करना है। अगर आप किसी भी अगर कप में अगर कचरा रह जाएगा तो वहां पे बॉल्स नहीं बनेगी, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। देखो ऐसे करके साफ करना है आपको, यही यही इसमें मेन टेक्निक है कि जिसने रैम के गड्ढों को साफ कर लिया अच्छे से और रिबॉल कर लिया, तो आपने डबल डेकर का 50% काम सक्सेस कर दिया। सबसे टेक्निक इसी में। अब गड्ढों को साफ करने के बाद मैं क्या करूंगा, सीपीयू का जो साइड था, ये सीपीयू की जो बॉल सी देखिए अभी हमने निकाला था, इसको भी साफ करना एक बहुत बड़ी टेक्निक है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। इस पे पूरा वाइट ग्लू लगा हुआ है, ठीक है, और वाइट ग्लू लगने के साथ साथ इसमें हमें साफ करना है, इसमें भी स्क्रैच ना हो। तो देखिए ब्लेड कई तरीके की आती है साफ करने के लिए मार्केट में, जैसे ऐसी भी ब्लेड आती है, ठीक है, आपने देखा होगा, और चौड़ी ब्लेड भी आती है, लेकिन मेरा टेक्निक क्या है मैं आपको बताता हूँ मैं कैसे साफ करता हूँ, क्योंकि देखो कई बार साफ करने में ना इसमें ग्राउंड निकल जाता है और वो आपको फिर बहुत दिक्कत करता है। तो आप इस टाइप की एक ब्लेड लीजिए, मार्केट में आपको मिल जाएगी, और इस ब्लेड को डायरेक्ट यूज़ नहीं करना है, ठीक है। देखो इस ब्लेड को एक सॉइल पेपर लो और उसमें ना स्क्रैच करके इसके कोनों को, और ये देखो इस सॉइल पेपर पे ऐसे स्क्रैच करो और इसके जो कोने हैं ना उनको राउंड शेप दो, ठीक है, और इसकी जो धार को कम करो। देखो बगल में मैंने ब्लेड जो बना रखी है इस टाइप से उसको बनाओ, इसके कॉर्नर नुकीले नहीं होना चाहिए, कॉर्नर को शेप में लाओ और आगे का जो धार है उसको कम करो ताकि कहीं स्क्रैच ना हो आईसी में। सॉइल पेपर पे घिस के आप ऐसा कर सकते हो, और उसके बाद SMD को करो 300 पे, अभी 857 यूज़ कर रहा हूँ 300 पे, और एयर रहेगा 1.5 और 2, और जब थोड़ा सा बॉल गर्म हो जाए तो धीरे धीरे इस ब्लेड से ऐसे उठाओ, ठीक है। ये देखो देखो YouTube पे जो वीडियो है ना वो आपको लगते बहुत आसान होंगे, लेकिन उसको अगर आप अप्लाई करोगे तो आप कहीं मिस्टेक कर जाओगे, इसीलिए मैं आपको एक्चुअल सिचुएशन बता रहा हूँ कि आप इन ब्लेड्स, जो ब्लेड आपको दिखती है ऐसा नहीं कि वो यूज़ करोगे तो आप भी कर लोगे, स्क्रैच आ जाते हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ इसको, इस ब्लेड को आपको थोड़ा सा बनाना पड़ेगा, देखो कितने अच्छे से आप ग्लू को निकाल सकते हो और इसमें स्क्रैच का कोई चांस नहीं होगा, मतलब कहीं भी स्क्रैचेस नहीं आएंगे और आपका सीपीयू सेफ रहेगा। तो देखो क्योंकि नुकीला नहीं होता, इसको हमने पहले घिस के इसका जो नुकीलापन है उसको ख़त्म कर दिया है। तो इस तरीके से आप आराम से पूरे ग्लू को देखो यहाँ पे हटा सकते हो। ये देखिए आराम से बिल्कुल, और ज़्यादा टेम्परेचर भी नहीं है, 300 का टेम्परेचर है, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से काम करना है। जब ये पूरा ग्लू हट जाए, ठीक है, तो बस उसके बाद से कुछ नहीं करना है आपको, हल्का सा PPD लेना है 183, 138 कोई भी, और फ्लक्स एकदम टॉप क्वालिटी का लगाना है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और एक बार आयरन को सीपीयू पे ऐसे राउंड कर देना है। और याद रखिएगा आयरन बार बार नहीं फेरना है और प्रेस ज़्यादा नहीं करना है, अगर सीपीयू का भी ग्राउंड निकल गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। और एक बार डिसोल्डर वायर लगाना है, देखो यहाँ पे एक से दो बार, देखो इस तरीके से पूरा हल्का हल्का शेप राउंड कर देना है। देखो एक बार मैंने डिसोल्डर लगाया और एक बार आयरन लगाया, बार बार आयरन का यूज़ मत करना, बार बार डिसोल्डर वायर का यूज़ मत करना, नहीं तो इसके ग्राउंड निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब सीपीयू को थोड़ा सा कॉटन में लगा के अच्छे साफ कर लेते हैं। मैं आपको बिल्कुल एक्चुअल दिखा रहा हूँ, कोई कट कट पिट नहीं है इसमें, कोई भी कट कट नहीं किया है मैंने, कहीं अगर ज़्यादा वीडियो खींचा है जैसे सामान निकालने में टाइम लग जाता है वही काटते हैं, तो इसमें कोई कट नहीं है, और एक्चुअल जो सिचुएशन है वो मैं बता रहा हूँ, अगर इसको फॉलो करोगे तो बहुत अच्छे से आप डबल डेकर पे काम कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने क्लीन किया और देखो पूरा ग्लू व्लू जितना था सब क्लीन हो गया, देखो, ठीक है। अब इसमें आप देखोगे कुछ बॉल्स आपको ब्लैक दिखेंगे,
देखो कहीं कोई ग्राउंड निकला है, देखो आप बिल्कुल भी नहीं निकला है, बहुत सारी बॉल्स आपको इसमें देख रही होगी ब्लैक ब्लैक कलर की, और काफ़ी सारी सिल्वर हो चुकी हैं। देखिए ये पहले कॉटन से अच्छे साफ कर लेते हैं। देखिए देखिए कुछ बॉल्स आपको ब्लैक दिख रही है, आप देख सकते हो सिल्वर नहीं है, तो बॉल खराब नहीं है, वो एक्चुअली में ऊपर एक उसमें ब्लैकिश वो आ जाती है। देखिए तो हल्का सा उसको स्क्रैच करेंगे तो सफ़ेद जाएगी, तो आपको ब्लेड से स्क्रैच नहीं करना है, उसके लिए मार्केट में एक ब्रश आता है जो शुरू में भी मैंने दिखाया था, ये वाला लोहे वाला ब्रश आता है, तो आपको बस इस ब्रश को हल्के हाथों से चलाना, ऐसा नहीं कि रगड़ दो पूरा उसका ग्राउंड निकल जाए, नहीं एकदम देखो हल्के हाथों से चलाओगे ना तो जो ब्लैक वाला जो जितनी बॉल्स थी ना वो सिल्वर हो जाएंगी। देखो देखो पूरी सिल्वर हो गई, ये हो गई, अब यहाँ पे आराम से रिवॉल्व हो जाएगी ऐसी, अब इसके इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत, देखो पूरी सिल्वर हो गई। कई लोग ना इसको ब्लेड से स्क्रैच करते हैं उसी में ग्राउंड निकल जाता है, तो आपको बिल्कुल भी ब्लेड से स्क्रैच नहीं करना, एक दो बॉल हुई तो कर सकते हो लेकिन ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से देखो पूरी हो गई, अब दोनों तरफ का एरिया साफ हो गया, अब हम पहले रैम का ऊपर का सरफेस बनाएंगे जहाँ रैम इंस्टॉल होगी, उसके बाद सीपीयू रिवॉल्व करते हैं, आप ध्यान रखना। तो देखो इसी को बनाने में पूरी टेक्निक लगी हुई है, क्योंकि ये जो बॉल्स गड्ढों की बॉल्स बनेंगी इसी के ऊपर रैम इंस्टॉल होगी, और इसी में यही चीज़ें लोगों से सही नहीं बनती, इसीलिए डबल डेकर सक्सेस नहीं हो पाते हैं, क्योंकि देखो ये गड्ढों के अंदर जो बॉल बननी है वो एकदम इक्वल होनी चाहिए पूरी, अगर बॉल्स छोटी बड़ी हो जाएंगी तब भी रैम इंस्टॉल नहीं होगी, उस कंडीशन में आपका सेट ऑन नहीं होगा, ठीक है, या हैंग ऑन लोगों को पटक जाएगा। तो यहाँ पे एक चैलेंज होता है कि आप इन गड्ढों को बहुत अच्छे से साफ करो, और इन गड्ढों के अंदर जो भी बॉल बनेगी वो इक्वल होनी चाहिए पूरी, तो आप देखो इन गड्ढों में एक तरफ छोटा सी है और एक तरफ बड़ा सी है, आप देख सकते हो है ना, एक तरफ छोटा सी है एक तरफ बड़ा सी है, तो जिधर बड़ा सी है उधर के गड्ढे अगर थोड़े बहुत कम साफ हो चल जाएगा, इसकी जो मेन पिने होती है जो छोटा सी दिख रहा है इधर होती है ना, तो इसको हम देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देखो पूरा अच्छे से हम साफ कर लिए, और आप देखो साफ करने के बाद आप देखो पूरे जितने भी गड्ढे थे वो पूरे अच्छी तरीके से पूरे साफ हुए हैं, और रिवॉल्व करने के पहले एक बार हीट कर लेना, एक बार रैम को हीट कर लेना, ताकि हम जब थिनर से इसको क्लीन करते हैं तो मॉइस्चर रह जाता है तो वो निकल जाए, तब अच्छे से रिवॉल्व होगी ऐसी। तो इस तरीके से देखो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, देखो हर एक बॉल साफ है, अगर आपको कोई लगता है कि कोई बॉल में कोई कचड़ा फंसा है ना तो उसको आप ब्लेड से आराम से देखो इस टाइप की 007 वाली जो ब्लेड आती है ना इससे कचड़ों को निकाल लो, क्योंकि एक बार बनने के बाद से फिर एक दो बॉल छोटी बड़ी होगी ना तो फिर से आपको प्रॉब्लम होगी, तो एक बार अच्छे से इत्मीनान से पूरा अच्छे से आप देख लो, ठीक है। अब इसके बाद यहीं पे टेक्निक है कि इसकी बॉल इक्वल कैसे बनेगी, सबसे पहले कॉटन लो उसके ऊपर आईसी रखो, ठीक है, एक कॉटन कॉटन यूज़ करना प्रॉपर, और इसमें जो पीपीडी है 183 यूज़ होगी, और अच्छी ब्रांड की पीपीडी, जैसे रिलाइफ की ले लो, जैप कंपनी की ले लो, इन सब की पीपीडी यूज़ करो अच्छी, और गीला पीपीडी यूज़ करना, ध्यान रखना जैसे हार्ड पीपीडी मत यूज़ करना सुखा के, एकदम गीला होना चाहिए, ताकि गीला पीपीडी रहेगा ना तो गड्ढों के अंदर प्रॉपर अंदर तक पीपीडी जाएगा, अगर सुखा दोगे तो हो सकता है गड्ढों के अंदर अच्छे से ना जाए तो फिर वो बॉल्स अच्छी नहीं बनेंगे, और इस तरीके से आप फिंगर से भी, मैं तो फिंगर से ही उसको फील करता हूँ, बाकी आप देख लो, तो इसे इस तरीके से पूरा पीपीडी अंदर भर गई, और एक कॉटन का कपड़ा लेके इन पीपीडी को तब तक साफ करना है इस तरीके से जब तक कि एक जो 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 गड्ढा है दूसरे गड्ढे के बीच का पीपीडी का एरिया कम ना हो जाए, जुड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो जब हीट मारोगे ना तो जुड़ जाएगी बॉल्स, खूब साफ करो अच्छे से, साफ करो पूरा अच्छे से, देखो ऐसे बिल्कुल प्रॉपर साफ करो, ठीक है इस तरीके से। और एक बार मेक श्योर हो जाओ कि कहीं पे कोई ग्लू तो नहीं बचा है, देखो पूरा आईसी का नाम दिख रहा है, कहीं कोई ग्लू बचा है क्या कॉर्नर पे, कहीं भी ग्लू नहीं बचा होना चाहिए तो रैम नहीं बैठेगी, पूरा क्लियर होना चाहिए। देखो पूरे गड्ढों में अच्छे से पीपीडी भर चुका है, आप देख सकते हो, ठीक है एकदम प्रॉपर है ना। अब क्या करना है आपको, ऐसे होल्ड करना है चिमटी से, और चिमटी में शोल्डर नहीं लगाना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है ऐसे करके होल्ड करना है। SMD का टेम्परेचर होगा 300, एयर होगा 1.5 और 2, 857 यूज़ कर रहा हूँ पतले नोजल की, ठीक है, और कॉर्नर से हीट आपको करना है, और इस तरीके से आपकी पूरी बॉल पूरी रेडी हो गई, देखो देखो पूरी बॉल बन गई।
ना, और प्रॉपर बनी है। जिन बॉल्स पे कचरा होगा वो बॉल ऊपर आ जाएगी, नहीं बनेगी, वो अलग ही दिखने लगेगी, ऊपर उठ जाएगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, और हमेशा ध्यान रखना ये देखो पूरा एकदम प्रॉपर बना है, देखो एकदम साफ क्लियर, कोई भी बॉल आपको देखो छोटी बड़ी या ऐसी नहीं दिख रही होगी जो अच्छे से नहीं बनी है ना। तो इसको बनने के बाद हमेशा रैम के, ये जहाँ रैम इंस्टॉल होगी इन गड्ढों को 2 बार रिबॉल करना है, मेरी बात ध्यान देना। एक बार में कई बार क्या होता है ना कि प्रॉपर बॉल मतलब उसका साइज छोटा रहता है, तो कई बार रैम इंस्टॉल नहीं हो पाती, तो आपको 2 बार बनाना है। अब देखो कोई अगर बॉल में आपको डाउट लग रहा है तो थोड़ा सा मूव करके देख सकते हो, कोई बॉल अच्छे से बैठी ना हो, इस टाइप से आता है प्रॉब्लम। और एक बार ब्लेड आप इस टाइप से ऊपर ले जाओगे ना, तो कोई बड़ी बॉल होगी ना तो पता चल जाएगा, कट जाएगी। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, हमारी अभी बॉल प्रॉपर बनी है बिल्कुल। एक बार और इसको हम रिवॉल्व करेंगे, आप याद रखिए 2 बार जरूर रिवॉल्व कीजिए, ठीक है, ताकि बॉल थोड़ी सी ऊंची रहे ना, ताकि रैम जब आप ऊपर से बैठा के हीट दो तो प्रॉपर इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। तो एक बार फिर गीला पीपीडी लगाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए एक बार फिर से गीला पीपीडी लगाते हैं, ये गीला पीपीडी लगाएंगे और देखिए फिर से फिंगर से इसको फिलअप कर देते हैं, और फिर से तब तक साफ करना है जब तक कि पीपीडी अच्छी तरीके से होल्स में फिल ना हो जाए और एक्स्ट्रा पीपीडी आईसी से बाहर ना निकल जाए, ठीक है। फिर से एक नया कॉटन लीजिए, जो भी मैं प्रोसेस बता रहा हूँ ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, हो सकता है ये वीडियो जो लोग देख रहे हो उनका काम करने का तरीका अलग हो, या आप किसी भी चैनल पे देखते हो उनका काम करने का तरीका अलग हो, लेकिन ये जो मैं वे बता रहा हूँ मुझे सक्सेस मिली है, काफ़ी मतलब सक्सेस रेट ज़्यादा है, इसीलिए ये वे बता रहा हूँ, और आपको भी बहुत अच्छा इससे एक एक्सपीरियंस मिलेगा डेफिनेटली, मतलब चीज़ें खराब नहीं होंगी, बस ये चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो इस तरीके से आप पूरा क्लीन कर लो अच्छे से, तब तक क्लीन करो जब तक कि पूरे गड्ढों में पीपीडी चली ना जाए, और एक जो कप है दूसरे कप के बीच का जो एरिया है उसमें पीपीडी नहीं होनी चाहिए। फिर से इसको होल्ड करो ऐसे करके 45 डिग्री पे, और फिर से हीट अप करो, देखो कॉर्नर से हीट करना है, ठीक है, देखिए ऐसे कॉर्नर से 300, 1.5 एयर और 2 एयर, देखिए पूरी बॉल्स प्रॉपर बन चुकी है, देखिए ये देखिए। तो आप देख सकते हैं पूरे इक्वल बॉल्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी है कोई छोटी है, आप देखो बिल्कुल एकदम कोई भी ऐसी बॉल नहीं है जो इस मेक श्योर हो जाओ, आप यकीन मानिए अगर आपने रैम के सरफेस वाली बॉल आपने बना ली तो आपने 50% डबल डेकर आपका सक्सेस हो जाएगा, और बाकी 50% में निकालना लगाना, ठीक है, आप कैसे निकालते लगाते ये सब मायने रखता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी डबल डेकर सीपीयू को इंस्टॉल करने का, यही में प्रॉब्लम आती है। अब थोड़ा सा मैं तिरछा करके देखो दिखा रहा हूँ आपको, बॉल देखो प्रॉपर बनी है, कोई छोटी बड़ी नहीं, तिरछा करके जब आईसी देखोगे ना तो पता चलेगा। अब टाइम आता है सीपीयू को रिवॉल्व करने का, तो जब भी सीपीयू रिवॉल्व करोगे तो इसका पीछे का सरफेस पीछे है तो कोई शोल्डर वोल्डर नहीं होना चाहिए, तो रैम वाला साइड में चिपक जाएगा। अब इसको भी जब आप रिवॉल्व करोगे तो स्टेंसिल बिल्कुल सेम होना चाहिए, यूनिवर्सल से कोशिश करो मत करो, ठीक है। तो ये इसका सीपीयू है प्रॉपर, इसी का स्टेंसिल है, तो यहाँ पे आपको ड्राई पीपीडी यूज़ करना है, 183 ड्राई, ओके। यहाँ पे आपको लिक्विड वाला पीपीडी नहीं यूज़ करना है, देखो ड्राई यूज़ करना है, ठीक है। तो ये लगा लो पीपीडी, वो थोड़ा ज़्यादा हो गया सॉरी, आपको इतना नहीं लगाना है, ठीक है, थोड़ा सा लगाना है। तो मैं इसको ब्लेड से क्लियर कर लेता हूँ, और एक बार कॉटन से इसको क्लीन कर लो, ठीक है, और चिमटी से होल्ड करो ट्वीज़र से, और ज़्यादा तेज होल्ड नहीं करना है, ध्यान रखना, ठीक है, ये होल्ड कर लिया, ठीक है। अब आप यहाँ पे हीट करो, ठीक है, टेम्परेचर 300, एयर 1.5 और 2, SMD 857 DW, ठीक है, ये बॉल्स बन गई। थोड़ा मुझे लगता है कि बॉल थोड़ी सी ऊंची हो गई है, तो जब आपको लगे कि बॉल थोड़ी बड़ी हो गई है साइज में, तो आप ब्लेड से कटअप कर सकते हो बॉल को, ठीक है। वैसे तो बन गई है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा लगता है कि हाँ, तो आप यहाँ पे जो ब्लेड होती है ना उससे आप एक बार कट कर सकते हो इसको, पूरी बॉल्स को, देखो मैं दिखाता हूँ आपको,
अगर आपको ऐसे करके कट कर लो, अगर आपको लगता है कि कहीं बॉल बड़ी होगी, वैसे ज्यादा बड़ी नहीं हुई थी, सिर्फ बीच की बड़ी हुई थी, और एक बार और हीट अप कर दो, एक बार और हीट अप कर दो, तो पूरा ये बॉल फिर से आपका बन जाएगा। देखो ये हिट कर दो तो ये देखो पूरी बॉल बन गई, ठीक है। तो इस तरीके से रिवॉल्विंग करना कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको इजीली कर सकते हो, जस्ट प्रैक्टिस करना है आपको। तो इस तरीके से सीपीयू रिवॉल्व हो गया, रैम भी रिवॉल्व हो गई, सीपीयू भी रिवॉल्व हो गया, और जहाँ पे रैम इंस्टॉल होगी वो भी सरफेस भी हमारा रिवॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब इसको जब थोड़ा सा कूल हो जाए तो इसको आपको उसके बाद निकालना है, थोड़ा सा इसको क्लीन करेंगे तो बाहर आ जाएगा, ये निकल गया। अब इसको निकालने के बाद थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से आपको साफ करना है पूरा, बिल्कुल अच्छे से ब्रश से, वही 30 रुपीज़ वाला ब्रश है, उससे भी आप साफ कर सकते हो। तो पूरा साफ करने के बाद अब देखते हैं पूरी बॉल कैसी बनी है। पूरी बन गई है ऑलमोस्ट, कॉर्नर से देख लिया करो ताकि कोई बड़ी छोटी बॉल हो। देखिए रैम भी बन गई और हमारा सीपीयू भी प्रॉपर रिवॉल्व हो चुका है ना। ये रैम, ये सीपीयू, और ये सीपीयू के पीछे का सिरा भी रिवॉल्व हो चुका है। तो ये देखिए रैम वाला एरिया भी रिवॉल्व हो चुका है। अब टाइम आता है इंस्टॉलेशन का, देखिए। अब हम इंस्टॉल करते हैं इसको। प्लेटफॉर्म तो पहले से रेडी है, तो जब भी आप किसी भी प्रोसेसर को इंस्टॉल करोगे तो फिर से हम SMD यूज़ करने वाले हैं। क्विक 2008, टेम्परेचर 330 to 350 एंड एयर होगा 100, और डबल कैमरा मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको एक्चुअल सिचुएशन दिखा सकूँ, ठीक है। तो सबसे पहले फ्लक्स लगाना है और इसको पूरा मूव कर देना, ज़्यादा फ्लक्स मत लगाना नहीं तो IC इधर उधर मूव हो जाएगी और आपको फिर से पूरा रिवॉल्व करना पड़ेगा। इसकी सही लोकेशन पे इसको इंस्टॉल कीजिए, कॉर्नर को मैच कीजिए, ठीक है, इस तरीके से, और बस हीट करना स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल ये आपने लगा दिया, अब इसको हीट अप करते हैं ऊपर से। देखिए 2008 है, ठीक है, टेम्परेचर मैं बता चुका हूँ आपको। तो इसको हीट करते रहिए ऊपर से, और जब IC को, जब देखो जब IC मेल्ट हो जाएगी ना तो ऊपर की बॉल भी मेल्ट होती है, उसके थोड़ी देर बाद IC इंस्टॉल हो जाती है और थोड़ा मूव करती है, तो एक बार आपको मूव करना जरूरी है IC को, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे मूव कर रहा हूँ, हीट देते रहिए, और आप इसको क्लोजली जब देखेंगे ना, तो अभी हमने देखिए मेल्ट हो चुका है पूरा, तो थोड़ा सा मूव करना जरूरी है। तो थोड़ा सा मैं फ्लक्स पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद मूव करके दिखाता हूँ आपको। देखो थोड़ा सा फ्लक्स इसमें IC में लगा सकते हैं, क्योंकि अगर पहले लगा दोगे ना फ्लक्स ज़्यादा तो IC इधर उधर हिल जाएगी, थोड़ी सी इंस्टॉल हो जाए फिर फ्लक्स लगाओ। तो ऐसे करके फ्लक्स आप लगा के और हल्का सा IC को मूव कर दो, देखो ऐसे फ्लक्स लगाओ और IC को हल्का सा ये मूव कर दो। जब भी हम CPU को इंस्टॉल करते हैं तो कभी भी रैम को तुरंत नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले हम कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा CPU सही से लगा है कि नहीं, मैं आपको इसका वे बताता हूँ। तो सबसे पहले जो कैपेसिटर था उसको लगा लेते हैं, जो हमने पहले निकाल रखा था। तो अगर हम इसके बाद तुरंत रैम लगा देंगे तो हो सकता है रैम या CPU किसी में एक में फॉल्ट हो तो पता नहीं चलेगा। तो जब भी आप CPU इंस्टॉल करें किसी भी डबल डेकर का, तो इसको इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा वेट करें, थोड़ा बोर्ड जब कूल हो जाए, ठीक है, उसके बाद आप बोर्ड को पैनल में फिट करें, ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैंने बोर्ड को ये पैनल में फिट कर लेता हूँ, मैं ये पैनल में फिट कर लेता हूँ। अभी हमने रैम नहीं लगाया है, ध्यान रखिएगा, रैम हमने नहीं इंस्टॉल किया है, ठीक है। ये पैनल में फिट करो, ठीक है, और इसके बाद कंप्यूटर में केबल कनेक्ट करो टाइप सी, और इसके चार्जिंग जैक में केबल को कनेक्ट करो, ठीक है, जैसे ऐसे। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, और कंप्यूटर में माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक करके हम डिवाइस मैनेजर ओपन करेंगे। ये मैंने केबल लगाया है यहाँ पे, कनेक्ट किया जैक में,
और माय कंप्यूटर में डिवाइस मैनेजर जब ओपन करोगे आप, ठीक है, तो डिवाइस मैनेजर में यदि आपका फ़ोन अननोन डिवाइस का पोर्ट बना लेता है, देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ थोड़ा क्लोजली, आप देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये अननोन पोर्ट बना लेता है, देखो नीचे अननोन यूएसबी, ठीक है, मतलब क्विक पोर्ट बनता है, बन के फिर हट जाता है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको फिर से, ये देखिए अननोन यूएसबी डिवाइस है ना, तो इसका मतलब है कि आपका सीपीयू इनिशियलाइज हो रहा है, तभी पोर्ट बनाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे पोर्ट नहीं बनाया तो समझ लीजिएगा आपका सीपीयू सही से इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो आपको रैम लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक तो ये हो गया, दूसरा वे एक और है, आप ये करो कि रैम लगाने के पहले यहाँ पे आप पावर सप्लाई लगाओ, ठीक है, बैटरी कनेक्टर पे आप पावर सप्लाई की केबल कनेक्ट करो, ठीक है, और ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करो, ठीक है। ऑन ऑफ स्विच को प्रेस करने पे यदि 120 से लेके 220 मिली एम्पियर पे जाके स्टक होती है मशीन, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपका जो प्रोसेसर है ऑलमोस्ट इनिशियलाइज हो रहा है, सही लगा है मतलब, ठीक है। देखिए मैं ऑन ऑफ को प्रेस करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है, देखिए ये ऑन ऑफ को मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए ये ऑन ऑफ को ट्विजर से मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, सॉरी ये वाला नहीं है, ये दूसरा वाला है, देखिए यहाँ पे 218-19 पे जाके स्टक हो गया, देखो स्टक हो गया, बैक जीरो नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपका जो सीपीयू है प्रॉपर इंस्टॉल भी हुआ, इनिशियलाइज भी हो रहा है। तो ये दो वे होते हैं रैम को इंस्टॉल करने के पहले, आप इनमें से कोई भी एक वे से चेक कर सकते हैं कि आपका सीपीयू प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पाया कि सीपीयू सही से लग चुका है, अब हम रैम को इंस्टॉल करेंगे, तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा। एम्पियर कंजप्शन किसी का 120 आता है, किसी का 140 आता है, किसी का 220 आता है, तो वो थोड़े वरी कर सकता है मॉडल के हिसाब से, ठीक है। तो फिर से हम इसको पीसीबी होल्डर में फिट करते हैं और अब रैम को इंस्टॉल करेंगे, देखिए। रैम को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आप थोड़ा सा फ्लक्स बीच में लगाइए और पूरे बॉल्स पे पूरा मिक्सर पूरा अच्छे से उसको लगा दीजिए ताकि पूरी बॉल पे ये फ्लक्स मिल जाए, ये देखिए इस टाइप से। आप रोजिन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ये फ्लक्स मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा इसका शोल्डर है, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इसीलिए मैं ये वाला फ्लक्स यूज़ करता हूँ। तो और यहाँ पे रैम को यहाँ पे हम अब इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है। रैम का नंबर मैं आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, हम वही वाली रैम इंस्टॉल कर रहे हैं, तो अभी लगाते हैं फिर उसमें दिख जाएगा क्योंकि अभी वो चमक रही है। तो यहाँ पे प्रॉपर मैक्स्योर यहाँ पे कॉर्नर को मैच करके और यहाँ पे आप आराम से रैम को इंस्टॉल कर सकते हैं। रैम इंस्टॉल करने के लिए हम एसएमडी यूज़ करेंगे क्विक 2008, एयर होगा 100 और जो हमारा हीट होगा 330 से 350 अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, ठीक है। यहाँ पे हल्का सा हीट अप करेंगे, नोज़ल 10 या 12 mm की ले सकते हैं नोज़ल, अकॉर्डिंग टू आप किस तरीके से आपका हाथ सेट है, ठीक है। तो इस तरीके से राउंडेड आपको हीट अप करना है, बीच में हीट नहीं मारना क्योंकि आपको पता है बीच में बॉल्स नहीं होती है। और जब ये मेल्ट हो जाए तो हल्का सा रैम को भी आपको मूव कराना है जिससे कि कंफर्म हो जाए कि रैम हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है, तो बिल्कुल हल्का सा इसको हम मूव करते हैं, देखिए ये अभी नहीं बैठी है, अभी मतलब शोल्डर नहीं हुआ हुआ है प्रॉपर, तो बिल्कुल हल्का सा मूव करना है, ज़्यादा मूव करने पे क्या होता है कि बॉल अंदर शॉर्ट कर जाएंगी, तो इससे भी बहुत दिक्कत आ जाती है, बिल्कुल हल्का मूव करना है बिल्कुल आपको। देखो ये देखो, बस एक बार हॉरिजेंटली मूव करना है, वो एक बार वर्टिकली मूव करना है। तो इस तरीके से आपकी जो रैम है ये भी प्रॉपर इंस्टॉल हो चुकी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, थोड़ा सा टाइम लेते हैं बोर्ड थोड़ा सा कूल हो जाए, ठीक है, और जब बोर्ड कूल हो जाए तो उसके बाद से फिर अब हम बोर्ड को पैनल में फिट करके देखते हैं कि ऑन होता है कि नहीं। तो इस तरीके से अभी तक का जो भी प्रोसेस हुआ है मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। तो देखिए ये इसका नंबर है SEC022, वही वाली रैम है जो हमने इंस्टॉल की है, ये देख सकते हैं आप SEC022, ठीक है। तो इस तरीके से इंस्टॉल हमने कर लिया। अब जब आपकी रैम इंस्टॉल हो जाए तो आप बोर्ड को थोड़ा तिरछा करके रैम इंस्टॉल कैसे हुई है आप देख सकते हैं,
क्योंकि अगर रैम सही से इंस्टॉल नहीं होगी ना तो टेपर हो जाती है, एक तरीके से एक तरफ से उठ जाती है, तो ऐसे तिरछा करके जब बोर्ड देखेंगे ना माइक्रोस्कोप में तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं देख रहा हूँ जहाँ तक रैम हमारी प्रॉपर इंस्टॉल हुई है, कोई इशू नहीं है रैम में। देखो ऐसे करके तिरछा करके आप देखोगे तो पता चल जाता है। ठीक है, तो अभी आपको कैमरे में अभी उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं माइक्रोस्कोप में देख पा रहा हूँ कि बहुत अच्छा रैम इंस्टॉल हुआ है, कहीं भी ज़्यादा उठी हुई रैम नहीं है। अब थोड़ा सा जब बोर्ड थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो फिर बोर्ड को हम पैनल में फिट करते हैं और देखते हैं हमारा बोर्ड, हमारा जो डबल डेकर का पूरा प्रोसेस था वो सक्सेसफुल हुआ है कि नहीं। ठीक है, कई बार एक बार में सक्सेसफुल नहीं होता है तो एक बार और हीटअप करके थोड़ा रैम को मूव करना पड़ता है, लेकिन अगर हमारा जो रैम का जो जो रिवॉल्विंग अच्छे से हुई होगी तो ना चलने का सवाल पैदा नहीं होता। तो यहाँ पे बैटरी कनेक्टर और सब पैनल में फिट करते हैं और चार्जिंग लगा के देखते हैं। पहले सिर्फ चार्जिंग का लोगो आ रहा था, तो अब देखते हैं कि पूरा ऑन होता है कि नहीं। तो मैं ये चार्जर लगाता हूँ, तो देखिए ये देखिए चार्जिंग का लोगो आ गया, मतलब आधा तो ठीक हो गया। अब देखते हैं अगर परसेंटेज आ गया तो समझ लीजिए फ़ोन ओके हो गया। ये देखिए परसेंटेज भी हमारा आ चुका है, तो ये फ़ोन अब ओके हो चुका है। तो हमारा जो भी प्रोसेस था डबल डेकर इंस्टॉलिंग का और डिसेंबली का, ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है। तो अब मैं ऑन कर लेता हूँ इसको और पूरा देखते हैं ऑन होता है कि नहीं, या फिर लोगो पे अटकता है क्या होता है, एक बार देख लेते हैं पूरा ऑन करके। ये देखिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लिया स्क्रीन को, तो देखते हैं। ये देखिए ऑन हो गया। तो फाइनली ये जो डबल डेकर का जो हमारा पूरा प्रोसेस था वो डन हो चुका है। तो बस मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि ये जितना भी प्रोसेस मैंने बताया है, जो टूल्स बताए हैं, आप इसको यूज़ करो और इस प्रोसेस को अप्लाई करो, डेफिनेटली सफलता मिलेगी आपको। और सबसे पहले जो भी नए लोग हैं, या कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो डबल डेकर करते हैं लेकिन कभी कभी उनका चल जाता है या कभी नहीं चलता है, तो आप इन बारीकियों को जरूर ध्यान देना। और जो भी फ्रेशर्स हैं जिन्होंने डबल डेकर अभी करियर की शुरुआत कर रहे हैं, डबल डेकर बनाना चाहते हैं, तो आप मार्केट से चार पांच डबल डेकर के बोर्ड उठाइए और इन पूरे प्रोसेस को अप्लाई कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली घर पे भी इसको डन कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।